Hello friends, Namaskar to everyone. I am Bade Bhaiya from Vidyamandir. आपके सामने आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे ये कुछ डायलॉग करना चाहता हूँ वो है आपका कि मूव बियॉन्ड जेई मेंस. आज 12 तारीख है, सारे सेशन जेई मेंस के ख़त्म हो गए हैं. तो आप देखेंगे लौट के पहला हर्डल इस जर्नी का, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 साल पहले शुरू हुई, कुछ लोगों के लिए 3 साल पहले शुरू हुई, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 साल पहले शुरू हुई. पहला हर्डल जनवरी में आपने क्रॉस किया, जो हमारे 12th class के बच्चे थे उनके लिए सेकंड हर्डल, जो थोड़ा सा कम हल्का, बहुत ज़्यादा ऊँचा हर्डल नहीं था, वो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम था, वो भी आपने क्रॉस किया. और फाइनली आज JEE मेंस अप्रैल, वो भी जो हर्डल था नंबर 3 और 12th pass वाले नंबर 2, वो भी आपने आज क्रॉस कर लिया. तो अभी हम ये यहाँ पे जो मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ उसका जो मेन पर्पस क्या है कि ये जो जनवरी का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद की फीलिंग और अभी फीलिंग में बहुत डिफरेंस है. जनवरी एग्ज़ाम के बाद जो भी था कुछ मन में कि यार एग्ज़ाम हुआ, कुछ लोगों का अच्छा हुआ, कुछ लोगों का बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोगों का बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें क्या था कि फिर भी बहुत ज़्यादा मायूसी नहीं थी और डिसअपॉइंटमेंट नहीं था. थोड़ा सा था डिसअपॉइंटमेंट, क्यों, हमारे पास अभी एक चांस और था अप्रैल के अंदर. मैंने भी आपसे कहा था कि अप्रैल में एक चांस और है, ठीक है जी, तो उसके एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है जी. लेकिन अभी जो अप्रैल का एग्ज़ाम अभी हुआ है, पिछले 8th से शुरू होके ये आज 12th को जो ख़त्म हुआ है, अभी फीलिंग आप सबके मन में, हमारे सबके मन में डिफरेंट है. डिफरेंट इसमें है कि अभी कोई जेई मेंस का दूसरा एग्ज़ाम नहीं है 2019 के अंदर, तो हमें उससे अभी क्या है कि ट्रांसेंड करना है. तो ये जब से एग्ज़ाम हो रहा है 8th से 9th से 10th से, और अभी मैं ये वीडियो तकरीबन 2 बजे करीब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे आज का आइडिया नहीं है कि क्या लोगों की फीलिंग हुई है, लेकिन मुझे पिछले 8 का 9 का 10 का आइडिया है कि लोगों के मन में क्या फीलिंग्स आई हैं. बच्चों से बात हुई है, बच्चों ने मेल लिखी है, व्हाट्सएप किया है, ठीक है. तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैं कितने बच्चों का व्हाट्सएप पर जवाब दूँ, कितने बच्चों को मेल करूँ, उंगलियों से क्या जवाब दूँगा, तो मैंने सोचा कि आपको एक रूबरू आपके सामने बातचीत हो जाए. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग से, मेरी टीम की अंडरस्टैंडिंग से, कुछ लोगों ने मुझसे बात करी है, कुछ लोगों ने हमारे फैकल्टी से बात करी है, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, अभी 3 कैटेगरी में बच्चे हैं इस जेई मेंस के बाद, और आज जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद भी इन्हीं में से किसी कैटेगरी में वो फिट हो जाएंगे. पहली कैटेगरी के लोग हैं, बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, आपको थोड़ा सा उनसे मतलब थोड़ा सा प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए. वो मुझे लिखते हैं, मुझसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, यहाँ विद्या मंदिर में आके मिलते हैं. अभी आज सुबह 2 बच्चे मिले मुझसे, जिनका कल शाम को एग्ज़ाम था और परसों शाम को एग्ज़ाम था, क्योंकि कल तो छुट्टी थी, कि भैया जेई मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आगे क्या करना है. अब ये जो एडवांस एग्ज़ाम आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है इलेक्शंस की वजह से, 1 वीक लेट हो गया है 27 मई को, तो क्या करना है. मतलब वो ये नहीं बता रहे मुझसे कि एग्ज़ाम जेई मेंस का हुआ तो कैसा हुआ. हो सकता है मेरे मन में ये पूछने की इच्छा थी, यार जनवरी का बेटर हुआ या बेटर हुआ. मेरे मन में ये भी फीलिंग थी कि जनवरी का एग्ज़ाम आसान था या ये वाला एग्ज़ाम आसान है. वो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भैया एग्ज़ाम ख़त्म, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ गाइड अस. ऑब्वियसली किसी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, वो एडवांस की बात कर रहे हैं. कमाल के बच्चे हैं, यानी इन्होंने इमीजिएटली दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम जेई मेंस. हो सकता है इसमें से कुछ बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जनवरी से ही बेटर हुआ, हो सकता है कुछ बच्चों का एग्ज़ाम इस कैटेगरी में जनवरी से थोड़ा कम अच्छा हुआ, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है. वो वेट भी नहीं कर रहे हैं कि अकाउंट के अंदर कल से पेपर आएगा या मैं नंबर देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, बात ही नहीं कर रहे हैं. वो सीधा एक्शन की बात कर रहे हैं. दीज आर रियल गुड स्टूडेंट्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट एंड इंस्पायर फ्रॉम देम. कि ये उस तरह के बच्चे हैं जो एक कंसेप्ट होता है मतलब लाइफ के अंदर कि हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता. हिस्ट्री एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट. वो इस फिलॉसफी के हैं जो यहाँ पे विद्या मंदिर में मैं उनको 2 साल 3 साल से लगातार कह रहा हूँ कि पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, हिस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. तो उनको ये मन में ये बात उनके जहन में घुस गई है बुरी तरह से, तो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं. दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो काफ़ी बिग कैटेगरी है,
वो क्या है, थोड़े साइड हो गए हैं, थोड़े एग्जैप्ट हो गए हैं। क्यों? उनके साथ क्या हो रहा है कि जो उनकी थ्रू आउट 2 साल की परफॉर्मेंस थी या 3 साल की परफॉर्मेंस थी, इनफैक्ट उनकी जो जनवरी एग्जाम की परफॉर्मेंस भी थी, जनवरी में वो किसी पर्टिकुलर टाइप से एग्जैप्ट हुए होंगे, साइड हुए होंगे कि यार कैसे, कि जब कंपेयर करते हैं बच्चे किससे, पहले अपने आप से कंपेयर करते हैं कि मैं अब तक ये मॉक टेस्ट के अंदर क्या कर रहा था और क्या जनवरी में मैंने किया, या अब एक बार जनवरी एग्जाम भी हो गया उससे कंपेयर किया अप्रैल के जेई मेंस की परफॉर्मेंस को, और ये जो जनवरी फरवरी मार्च में जो मॉक टेस्ट होंगे उससे कंपेयर किया। तो क्या हुआ है कि वो इस तरह से सोच रहे हैं कि यार भैया क्या हो गया, मैं तो अच्छे कहाँ से 250 नंबर लेता था, या मैं 275 लेता था, या मार्क्स की बात होती थी परसेंटाइल तो अब निकलेगा 200 नंबर लेता था, क्या हो गया इस अप्रैल एग्जाम के अंदर। इसमें कुछ वो लोग हुए हैं जो जनवरी एग्जाम में थोड़ा सा नीचे करके आए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि पेपर जनवरी एग्जाम से हमें ज़्यादा सिंपल लगा, इनसे बातचीत हुई है, तो ये सेकंड कैटेगरी के लोग हो गए, ये बहुत एक्सप्रेसिव है। तो वो इस बात से परेशान है, क्यों साइड है, वो कह रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा खासा कर रहा था, इस बार ये पेपर खराब हो गया। ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने जनरल परफॉर्मेंस से मॉक टेस्ट में जनवरी के टेस्ट से बेटर करा होगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं आए तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, गुड दे आर गुड कि दे आर मूविंग ऑन। लेकिन ये बच्चे बहुत स्ट्रेस में चले गए हैं, मम्मी पापा इनके इनके जो सोशल फैक्टर होते हैं, फैमिली फैक्टर होते हैं, वो भी इनको जो थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ी जो एक्सपेक्टेशन थी, और एक्सपेक्टेशन होना बड़ी नेचुरल चीज़ है, हमें भी एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से, पेरेंट्स को भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती हैं, और फैमिली में रिलेटिव्स फ्रेंड्स से भी एक्सपेक्टेशन होती हैं, उस स्टूडेंट से। तो वो सोशल फैक्टर फैमिली फैक्टर की वजह से वो जो एक्सपेक्टेशन हैं वो उनसे पूरा नहीं उतरा, उनके जैसे कहते हैं खरा नहीं उतरा है, तो एक्चुअल में अपनी एक्सपेक्टेशन से और नीचे आ गया हो तो वो बच्चा नेचुरली परेशान हो सकता है। और मेरे अपने 30-32 साल के एक्सपीरियंस से काफ़ी बड़ी कैटेगरी इसी, मतलब काफ़ी एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इन स्टूडेंट सभी टाइप के इंपॉर्टेंट हैं। तो इन बच्चों के साथ ये एक जिद्दोजहाद मन में ये चल रहा है, या आज वाले एग्जाम वाले को कल चलेगा, इसलिए मैंने कहा वीडियो आज ही रात को आपके अकाउंट में डाली जाए। ठीक है जी, देखो दोस्तों मेरे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम जो प्लान बनाते हैं, जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो केवल पूरी नहीं होती है, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स होते हैं एग्जाम के अंदर। ये कोई नहीं कह रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, ये तो शायद सोशल सोसाइटी में लोग कह रहे होंगे, पापा कह रहे होंगे तू यार ढंग से पढ़ता नहीं था, मम्मी कहती होंगी तू ढंग से पढ़ता नहीं था, या रिश्तेदार कह रहे होंगे, या बच्चे को खुद भी लिखना शुरू होता है यार मेरी पढ़ाई कमजोर थी। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ उनसे, मैं एज ए उनका टीचर एज ए मेंटर कह रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी। आप लगे हुए 2-3 साल से आप जनवरी के एग्जाम को भी ट्रांसेंड करके फिर फरवरी मार्च में जनवरी में भी आपने और अपनी कमियों को पूरा किया होगा, उनको प्लग इन किया होगा लूपहोल्स को, आप आए होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो पाया, जितना एक्सपेक्ट कर रहे उतना नहीं हो पाया। तो ये होता है क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट की वजह से नहीं होता है कि सारा जो एग्जाम अच्छा होना था, साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इमोशनल फैक्टर होते हैं, ऑन द स्पॉट फैक्टर होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, आप सेकंड टाइम दे रहे हो, 12th पास वाले थर्ड टाइम दे रहे होंगे, उसमें कुछ फैक्टर हो सकता है, आपके डेस्कटॉप पे कोई लाइट कम हो सकती है, ठीक है जी, वहाँ कुछ रूम में डिस्टर्बेंस हो सकती है, आप सेंटर पे गए वहाँ पे कुछ थोड़ा सा शोर मच सकता है, गाड़ी में जाते हुए पापा ने कुछ पूछ लिया, सुबह नाश्ता आपको सूट नहीं करा, फ्रेंड्स मिल गए आपको जो आपके कुछ मतलब दोस्त खास नहीं थे, उन्होंने आपको कुछ बात कर दी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि हिस्ट्री इज नो मोर और रिपीट नहीं होती है पुरानी चीजें। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट, तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा मायूस हो गए हैं, डिस्करेज हो गए हैं, ये भी एक अच्छा सा ग्रुप है। मायूस हो गए हैं कि भैया जनवरी भी खराब हो गया और ये अप्रैल भी खराब हो गया, यार ये भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, काफी परेशानी में, काफी एंथुजियाज्म उनका डाउन है, क्योंकि मैं तो 32 साल से देख रहा हूं ये चीजें होती हैं, हमेशा होती हैं। आपके लिए तो पहला दूसरा या तीसरा अनुभव है, 12th पास के लिए तीसरा एक्सपीरियंस है, 12th वालों के दूसरा एक्सपीरियंस है। क्या भैया ऐसा भी हो सकता है, बच्चे मुझसे पूछते हैं लिखते हैं, मैंने कहा यार कुछ भी हो सकता है संसार के अंदर, कि पेपर ही खराब हो गया, इतना खराब दिन जो आज तक 2 साल में नहीं आया, इतना खराब पेपर हो गया कि मुझे तो लग रहा है कि 150 नंबर भी नहीं आएंगे, मैं तो 95 से परसेंटाइल से नीचे हो जाऊंगा, 92 पे हो जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये बच्चे बहुत मायूस हैं,
हिम्मत बिल्कुल टूट रही है, एक से एक डायलॉग आ रहे हैं बच्चों को कि मेरी तो भैया 3 साल बेकार हो गए, मेरी सारी हार्डवर्क पानी में चली गई है, खत्म। और उनके मम्मी डैडी भी तानों से दे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो मम्मी डैडी को भी सुनाओ, ताने दे रहे हैं कि मुझको तो पहले से ही पता था तेरे बस की कुछ नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, अगर आपको पहले से ही पता था बच्चे के बस की कुछ नहीं है तो इसको पहले क्यों नहीं बताया। कि इस तरह के भिगो भिगो के इमोशन के अंदर बड़े हुए डायलॉग आ रहे हैं, ये सब आ रहे होंगे। अगर आप शेयरिंग कर रहे हो मम्मी डैडी से, कुछ बच्चे तो शेयर नहीं करते, मुझसे शेयर करते हैं, अच्छी बात है मेरे से शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हो। ऐसे नहीं होती है लाइफ, ऐसे नहीं चलती है लाइफ कि एकदम से एग्जाम खराब हो गया, 2 एग्जाम खराब हो गए जो है, मतलब कि आप इतने मायूस हो गए और कह रहे हैं मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, ये ठीक नहीं है। ये एक ऐसा एक नेगेटिविटी का चारों तरफ से आपने एक ब्लैक होल सा क्रिएट कर लिया है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, एक नागपाश के आपके अंदर आ गया, एक ऐसा पाश नेगेटिविटी का, इसको नागपाश बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, चारों तरफ से आपको घेर लिया है। आपको झटका मार के इसको तोड़ना है, आपको अपने करेज से, डिटरमिंड माइंड से, क्योंकि यू डोंट फॉरगेट कि हु आर यू, आप 3 साल से 2 साल से बहुत डिटरमिंड होकर तैयारी कर रहे हो, इतने सीजन हुए हो, ऐसे थोड़ी ना आपके सभी टेस्ट में नंबर अच्छे आते रहे, कभी कुछ चीज समझ नहीं आई, कुछ चीज समझ में आई, कभी नंबर आए, कभी नंबर नहीं आए, लेकिन यू कैप्ट ऑन मूविंग, कैप्ट ऑन मूविंग, कैप्ट ऑन मूविंग। भूलो मत अपने आप को, ये एक एक्सीडेंट जैसा हो गया है थर्ड कैटेगरी लोगों के साथ, भूलो मत। फिर बच्चे कह रहे हैं भैया पिछली बार भी एक्सीडेंट हो गया, सेकंड बार भी एक्सीडेंट हो गया, तो जानो बैठो, एक दिन दो, फुल वन डे दो एनालिसिस के लिए, क्यों हुआ जनवरी ये पर खराब होने के बाद ये पर खराब हो गया। जनवरी ये पर खराब होने के बाद आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा, आपने उसको हो सकता है ढंग से फॉलो ना किया हो, आपने सारी लूप होल्स प्लग इन ना की हो सकता है कि आप अभी बोर्ड का एग्जाम दे के आए 12th वाले बच्चे, उस बोर्ड के एग्जाम से ही ऊपर नहीं उठे हो आप, उसमें ज्यादा आपने एनर्जी लगा दी हो, ज्यादा टाइम लगा दिया हो, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। उनको लिखो, उनको एनालाइज करो, साथ में लाओ, कागज भी लिखो, कागज भी लिखो, कागज भी लिखो, पेन डाउन करो, और उस कागज को माचिस की तिल्ली से जला दो। दीज वर माई नेगेटिविटीज। तो बेसिकली आप समझे, पहले आप अपने को एनालाइज करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। फर्स्ट कैटेगरी में बच्चे आ रहे हैं, अभी इस सेशन के एंड में मैं एक प्लान लेके आऊंगा कैसे उनको एडवांस की तैयारी करनी है। सेकेंड कैटेगरी बच्चे, बेटा खत्म करो ये चीज, हो गया है, ठीक है जी, परेशान वेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, आप तो कह ही रहे हो कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आते थे, मेरे ये ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनके 275 आते थे, 250 आ रहे हैं अभी, 250 आते थे, 225 आ रहे हैं, या 250 आते थे, 200 आ रहे हैं, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो स्टिल सब 175 प्लस में आ रहे हैं, 200 प्लस में आ रहे हैं। तो आप ये भी कह रहे हो कि मेरी तो बहुत एबिलिटी थी, बहुत अच्छा किया था मैंने, जो है बहुत अच्छा करता था, तो यानी यू आर कॉन्फिडेंट, डरने की बात नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके कमजोर रह गए होंगे, उनको पेन डाउन करो, देखो क्या कमी हुई है, उनको मतलब जो है फिर उसको एलिमिनेट करना। तीसरे कैटेगरी के बच्चे ये हैं कि यार ये बिल्कुल ब्लास्ट हो गया है, तो ब्लास्ट का भी कारण क्या हो रहा है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर सर्कमस्टांसेस, सिर्फ एनालाइज करो। तो एक दिन लगाओ पूरा, हाफ डे लगाओ, एनालिसिस करना है आपको, जो है समझ आ गया आपको, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट जो है आप कौन से जो है, ठीक है जी। बिलीव मी माई फ्रेंड्स, 32 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ, 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, हिस्ट्री में जो हो जाता है उसको बदला नहीं जा सकता, जो हुआ सो हुआ, लेकिन कॉन्स्टेंटली निरंतर सतत उसको याद कर करके, उसके बारे में सोच सोच के, सोच सोच के आपने एक ऐसा हवन कुंड को एक्टिवेट कर दिया है, चालू कर दिया है, कि जिसके अंदर सब आसपास के लोग उसमें हवन सामग्री डाल रहे हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं था, जैसे मैंने कहा तो कुछ नहीं कर सकता है, और आपको भी बिलीव होने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसको बंद कर दो, इसको अब जो इस यज्ञ को, नेगेटिविटी के यज्ञ को फ्यूलिंग करना बंद करो, अपने थॉट्स को बिल्कुल जो है हटाओ। अभी आप देखो, हिस्ट्री से सीख के एक और चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फ्यूचर इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना है फ्यूचर, हिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है, तो फ्यूचर एक संभावना है, उसको संवारा जा सकता है, उसको बेटर किया जा सकता है, कैसे, बाय परफॉर्मिंग एक्शन इन प्रेजेंट। तो कैसे करना है, हिस्ट्री से सीख के, जो 2 एग्जाम दिए हैं आपने, इनके अटेम्प्ट से सीख के, ये मैं सेकंड थर्ड कैटेगरी के लोगों को कह रहा हूं, सीख के पूरा हाफ डे लगाओ एनालिसिस से, एनालिसिस किस लेवल पे करना है, कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है, कि फिजिक्स की वजह से गड़बड़ हुई, केमिस्ट्री की वजह से गड़बड़ हुई, मैथ्स की वजह से गड़बड़ हुई, पहला पॉइंट। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ, कि ज्यादा टाइम मैं सोच के गया था, कम टाइम सोच के गया था, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लग गया, मैथमेटिक्स में मैं 75 मिनट सोच के गया था, कुल 60 मिनट करा, मैथमेटिक्स में 75 मिनट सोच के गया था, 90 मिनट लग गए, फिजिक्स में इनजस्टिस हो गया। तो
सब्जेक्ट की वजह से ही, सब्जेक्ट में मैं भूल गया चीजें, फॉर्मूले भूल गया, क्या भूल गया, क्यों हुआ, चाहे सब्जेक्ट में कुछ कमी रही, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। दूसरा टाइम मैनेजमेंट एनालिसिस। तीसरा आपके इमोशनल फैक्टर की एनालिसिस, कि मैं इमोशनल टाइप का था, किसी ने कुछ डायलॉग मार दिया, 3 दिन पहले कुछ लोगों से मुलाकात हो गई, बच्चों से जो है मैंने कुछ लोगों से पूछ लिया, उससे हो गया। चौथा कि चेक वेदर यू हैव ए रिजिड पर्सनैलिटी। क्योंकि रिजिड पर्सनैलिटी होती है ना, वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाती। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर इन एग्जाम ऑफ ए वेरी वर्दी स्टूडेंट, एंड आई एसेस एंड आई सर्टिफाई दैट यू ऑल आर वर्दी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो रिजिडिटी होती है कि मैंने सोचा वही कि पहले मैथमेटिक्स करूंगा, भाई क्यों करेगा, मैथमेटिक्स में 90 मिनट लगा रहा, या मुझे लगा कि मैं यार पहले फिजिक्स करूंगा, रिजिडिटी कि मैं 30 मिनट में केमिस्ट्री कर दूंगा, अरे नहीं हो रही तो कोई बात नहीं 45 मिनट में केमिस्ट्री कर लेगा, रिजिड माइंड, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो परेशान हो गया, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी हुआ, चौथा भी परेशान हो गया, ये रिजिड माइंड है। फ्लेक्सिबल माइंड सोचता है पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ, तो प्रोबेबिलिटी अब पांचवें क्वेश्चन होने की क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये फ्लेक्सिबल माइंड ऐसे सोचता है। और लाइफ में दोस्तों मेरे याद रखो, फ्यूचर में भी, लाइफ के सारे एंडेवर्स में भी, आगे बढ़ने के लिए यू मस्ट हैव ए फ्लेक्सिबल माइंड। फ्लेक्सिबल माइंड ही हिस्ट्री से लर्न करके प्रेजेंट में डिटरमिनेंट होकर वर्क करता है और फ्यूचर को अच्छा करता है। तो आप एनालिसिस कर लो, कल बैठ के 13 तारीख को एक दिन ब्रेक ले लो, अभी तैयारी नहीं करनी है, कि क्या कारण रहे हैं। जब कारण हो जाते हैं फिर बैठ जाओ। समझ आ गया आपको बात हुई है कि ये पेपर हुआ, पेपर के बारे में सारी बात कर ली, मतलब जो है कि भाई खराब हुआ, अच्छा हुआ, हम सब इससे मूव ऑन करते हैं। अभी हमें देखना है कि हमारे सामने क्या है। तो पहले आंख बंद करो, डीप ब्रीथ लो और इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, फिर वीडियो को चालू करो। अब हम आते हैं एक्शन प्लान। पॉज करने का मेरा मतलब था कि ये अभी हिस्ट्री हो चुकी है, ये मेरी बातचीत भी हिस्ट्री हो गई, खत्म करो और तेजी से डिटरमिन्ड माइंड होकर के 5-6 बार डीप ब्रीथ करके इस नाक पॉश को तोड़ के बाहर आ जाओ कि अब हमें जो है क्या करना है। प्लीज आई एम टॉकिंग वेरी अग्रेसिवली, कोई बच्चा बिल्कुल नहीं सोचेगा मेरा पेपर क्या हुआ आज के बाद, बिल्कुल नहीं सोचेगा। जो आज ही वीडियो देख रहे हो रात को, मत सोच, सारी रात देखी जाएगी, आज ही रात को एनालिसिस कर दो, या कल दोपहर 12 बजे तक 13th को इसको एनालिसिस करके खत्म कर रहे। जब भी वीडियो सुन रहे हो नेक्स्ट डे के 12 बजे तक सारा एनालिसिस कर दो, क्या भी रीजन है सब निकाल लो। पेन डाउन करना है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि पेन डाउन करो अच्छे से नेगेटिविटी को, ये करके लग रहा है नेगेटिव बातें चला दो, पॉजिटिव बातें जो आपकी, अच्छा स्ट्रेंथ भी तो जानोगे जब आप नेगेटिव बातों को लोगे तो नेगेटिव बातें दिखाई देंगी, पॉजिटिविटी तो आएगी, उन पॉजिटिव बातों को रिकॉर्ड कर लो अपने दिमाग के अंदर या पेपर के अंदर, उसको लेके आगे बढ़ो। तो वीडियो पॉज हो चुकी है, फिर दोबारा मैं एक्शन में आ चुका हूं। अब हमारे पास क्या है, अगर हम सही मानों में बात करें तो एक्चुअल में एक जो कंपटीशन एग्जाम में, इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम में स्टूडेंट जब आता है 11th क्लास में आता है या 10th में सोचता है, तो मैं उससे क्या करता हूँ, या जनरली सब लोग उससे बात करते हैं भाई देखो क्या होता है कि क्या करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो हम ये कहते हैं कि नंबर 1 ए, प्लान ए होता है एडवांस एग्जाम, ए ऑप्शन इज एन एडवांस एग्जाम, IIT एडवांस। बी ऑप्शन होती है, प्लान बी इसको भी कहता हूँ, ऑप्शन बी होती है बिटसेट। आपको मालूम है लोगों की फर्स्ट चॉइस इंडिया में क्या होती है, IITs होती है। दूसरी चॉइस होती है बिटवीन बिट्स पिलानी गोवा एंड हैदराबाद वर्सेस IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद के अलावा और कोई IIIT सेकंड चॉइस नहीं होती, सेकंड चॉइस बिट्स होती है। तो ए और बी अभी दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे सामने, अभी तो एग्जाम हुई नहीं है, ये 16 मई से बिट्स का एग्जाम शुरू होगा और 27 मई को आपका क्या एडवांस एग्जाम है, और आज हम ये 12-13 को वीडियो देख रहे हैं, तो अभी हमारा तो एम्पल टाइम पड़ा, 17 दिन अप्रैल के पड़े हैं, 15 दिन अभी पड़े हैं, तो यानी क्या है कि आपके देखो 30 से ज्यादा दिन तो अभी क्या पड़े हैं, आपके बिट सेट के लिए पड़े हैं, और एक हफ्ता और लगा दो 35-37-8 डेज क्या पड़े हैं, एडवांस के लिए पड़े हैं। जो दो टॉप ऑप्शंस होती हैं बच्चों के लिए वो तो अभी ओपन है, आप समझ रहे हो जो, मतलब थर्ड ऑप्शन आती है आपके NITs आते हैं, जो IIITs प्लस NITs आते हैं। चौथी ऑप्शन आती है प्राइवेट कॉलेज में जो VIT होता है, वो भी एग्जाम पड़ा है। मैं कोई प्राइवेट को कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को हमेशा होता है कि बैकअप प्लान बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो यू डोंट नीड इट, क्योंकि बैकअप प्लान से क्या होता है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, तो यू विल नेवर नीड बैकअप प्लान इन लाइफ इफ यू हैव ए वेरी स्ट्रांग बैकअप प्लान, जो मेरा ये अपना अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो अभी हमें एक्शन में जाना है, अगर हम एक्शन में जाना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं प्लान ए प्लान बी। पहले मैं बात करूंगा प्लान बी की, जो बिट सेट एग्जाम है। अब देखेंगे बिट सेट का एग्जाम जो होता है
बिटसेट का एग्जाम जो होता है वो जेई मेंस के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट उसमें कुछ इंग्लिश के, कुछ जीके टाइप के कुछ 20 क्वेश्चन आते हैं। उसका बिल्कुल भी जो है ना आपका, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है उस एग्जाम की। क्यों? क्योंकि आप उसकी तैयारी कर चुके हो। तो क्या कर सकते हो, जाके एक बार थोड़ा सा सिलेबस चेक कर लो, एनालिसिस कर चुके हो अपनी वीकनेस का सारा। प्लीज आई एम अज्यूमिंग कि आप सब अपनी वीकनेस का एनालिसिस कर चुके हो, यू हैव मूव बियॉन्ड आपका क्या जेई मेंस अप्रैल ऑल्सो जो है। तो अब इसमें देख सकते हो क्या कमी है, वो तो हो जाएगा। एक बार सिलेबस को देख लो, थोड़ा बिट सेट में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, एनसीईआरटी बुक को लेके उसको स्टडी कर सकते हो, कहीं से भी स्टडी कर सकते हो। ज्यादा ज्यादा एक या दो दिन लगेगा आपको जो है, ठीक है जी। और उसका बिट्स एग्जाम का क्या होता है, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड अलोंग विद एक्यूरेसी। क्योंकि उसमें मालूम होगा अगर हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसमें एक 12 बोनस क्वेश्चन आते हैं। और मेरा अपना इतना एक्सपीरियंस है जब से बिट्स एग्जाम हो रहा है कि इतने सारे बच्चे हमारे 400 प्लस नंबर लेते रहे हैं, वही मेरे को फीडबैक देते हैं कि भैया इसमें जो बोनस क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, वो काफ़ी मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। जिस बच्चे ने भी 2 साल अच्छी तैयारी करी है वो 12 में से 10 क्वेश्चन ठीक कर लेता है। इसलिए वो 400 से ज़्यादा नंबर आते हैं, 430 नंबर आते हैं, 50 आते हैं। ज़्यादातर ये बच्चे आईटीई में ही जाते हैं, बिट्स में जाते भी नहीं हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम सभी देते हैं, ठीक है जी। 300 नंबर बिट्स के अंदर आ जाएं तो आप बिट्स के अंदर, तीनों बिट्स के अंदर, हैदराबाद, गोवा और पिलानी में एक बहुत रेस्पेक्टेबल इंजीनियरिंग लेके आप जो है अपने कैरियर को बना सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बिट्स इज ए वेरी बिग कॉलेज, वेरी बिग कॉलेज, इतनी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है, इंडिया का जॉब सीन सबसे बढ़िया होता है, लोग पीएचडी करने जाते हैं, इतनी हाई लेवल प्लेस्ड है बिट्स के लोग। मैंने इतने विद्यामंदिर के बच्चों को देखा है और जनरल बच्चों को देखा है, हजार हजार रैंक आईआईटी का छोड़ के, 1000 रैंक पे आईआईटी में टॉप आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती है, बिट्स के अंदर 375 में कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, वहाँ चले जाते हैं। तो लाइटली मत लो बिट्स सेट के एग्जाम को, जो बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं। बिट्स एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर जिन लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस की वजह से मेरी स्पीड फैक्टर नहीं था, ये नहीं था, तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिट्स के एग्जाम की कुछ किताबें आती हैं वो ले सकते हो, विद्या मंदिर वाले भी एक सीडी प्रोवाइड करते हैं वो आप ले सकते हो, जिसमें बहुत एम्पल टेस्ट हैं वो कर सकते हो। हम भी अपने मतलब बच्चों के लिए 3 प्रैक्टिस टेस्ट बिट्स के आपके डालेंगे 1 मई से। लेकिन आपको जिन बच्चों को लग रहा है कि आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप किसी बुक को लेके, अरिहंत की ले लें, एमटीजी की ले लें, इनमें सब में सीडी वगैरह भी पड़ी होती है और हमारी सीडी तो अवेलेबल है, आप ले सकते हो किसी भी सेंटर से। लेकिन इसको लाइट नहीं ला लें, चिद ना लें। होता क्या है इस टाइम पे, जैसे किसी बच्चा है जिसके नंबर अभी 150 आ गए हैं, जिसके 200 प्लस नंबर आ गए हैं, जिसके 225 आ गए हैं, उसका तो एक ये चांस है, बैकअप प्लान वैसे स्ट्रांग हो चुका है कि उसको कुछ ना कुछ गुड आईडीए मिल जाएगा, अच्छे खासे मतलब ट्रिपल आईडीए मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स है, कॉन्फिडेंट है। लेकिन जिस बच्चे के नंबर जनरली थोड़े कम रह गए हैं, मैं बहुत रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूं और हर बच्चे के लिए बात कर रहा हूं, 150 करीब नंबर रह गए हैं, तो वो उसका पता नहीं है, अनसर्टन है क्या होगा। अभी रैंक पता जब आएगा पता लगेगा, इनफैक्ट रैंक आने के बाद ही पता नहीं लगेगा, ये तो जुलाई में पता लगेगा कि क्या होगा। आप वेट नहीं कर सकते, आपके लिए एक एक दिन कीमती है। तो उन लोगों में कह रहा हूँ जिद ना करें कि मुझे एडवांस की तैयारी करनी है, कर लेना एडवांस की, मना थोड़ा कर रहा हूँ एडवांस की तैयारी नहीं करना, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान बनाना बिट्स का। इनफैक्ट वीआरटी एग्जाम अभी शुरू हो चुका है मेरे ख्याल, या लोग दे रहे होंगे, उसका फायदा क्या होगा, वो एक ट्रेनिंग हो जाएगा बिट्स के एग्जाम के लिए। जिन्होंने फॉर्म भरा है वो देंगे, बिल्कुल अभी हो रहा है शायद, मुझे बहुत डेट नहीं मालूम होती है, शायद अभी अप्रैल के अंदर ही चल रहा होगा। उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, बिट्स का एग्जाम भी ऑनलाइन पैटर्न का ही होता है, उसमें भी वैरायटी क्वेश्चन आएंगे, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा घर से बाहर निकलने का। तो प्लीज सिंसियर होके बिट्स एग्जाम को दो। ये बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं भैया आप बहुत लंबी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, बोलते चले जाते हो, यार आप भी तो सुनते नहीं हो, आप भी तो सुनते नहीं हो। और मैं सिंसियर बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कुछ सुन के कुछ मोटिवेट होके अपने लाइफ को क्रेडिट बनाना चाहते हैं और एक कॉन्फिडेंस से अपने करियर को बनाना चाहते हैं। जिन लोगों का काम ही होता है इंडियन से क्रिटिसाइज करना, उनके लिए वीडियो है ही नहीं, कि वीडियो बहुत लंबी है, एक बच्चा मुझे लिखता है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी, अरे मत देख तू यार वीडियो को यार, मैंने अगर बहुत लंबी वीडियो डाली थी, अरे तू सुनता नहीं है, तेरे दिमाग में चीज़ें खुलती नहीं है, इसलिए मुझे बार बार रिपीट करके कहनी पड़ती है, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, तो माफ़ करना मुझे वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, बातें मुझे सारी करनी है। कोई सुनने को तैयार तो है नहीं तुम्हारी यार, तुम भी किसी को सुनने को तैयार नहीं हो, कम से कम वीडियो बने सुन लो। तो प्लीज जो बच्चे मुझे जानते हैं कि मैं बिल्कुल काम की बात बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ और शेयर एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, तो माइंड नहीं करना। तो बिट्स की बात जो मैंने खत्म करी है, अब बिट्स के जैसा एक एग्जाम और बचा है, बिट्स वो वीआईटी का, वो आप दे रहे हो, ज्यादा एग्जाम है नहीं इस टाइम, पिछली बार तो आईबी एग्जाम होता था, यूपी वगैरह का एग्जाम होता था, सब बंद हो चुके हैं, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया बिट्स की तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल जो आपको जो है, और ये तैयारी वही कर पाएगा बच्चा जो मायूस नहीं है,
जिसके अंदर एंथुजियाज्म है, और तैयारी अच्छी जब ही हो पाएगी जब आपके अंदर एक पैशन है, एक कमिटमेंट है, और अपनी लाइफ को आप अच्छा देखना चाहते हो। कुछ लोगों ने तो यहां तक मुझे कहना शुरू कर दिया है, ट्वेल्थ के बच्चों ने, कि भैया ऐसा सोचता हूं मैं बिट्स को बहाने दो भाड़ में, जिनका पेपर और ज्यादा खराब हो गया है, जो 150 नंबर करीब सोच रहे हैं कि मैं अगले साल अटेम्प्ट दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं बाद में सोचेंगे यार, अभी तो सामने चीजें पड़ी हैं, क्वालिफाई तो हो ही जाओगे यार, क्वालिफाइंग तो बहुत कम जाती है, 1.5 लाख में तो आप आ ही जाओगे, तो अभी मत सोचो। ये सोचना आपको जाए जुलाई के अंदर जाके, जुलाई में सोचना, अभी नहीं सोचना है ये बिल्कुल, इसका मतलब है आप बैकफुट पे हो गए। बैकफुट में नहीं होता, जब क्रिकेट मैच में छक्का मारा जाता है फ्रंट फुट में जाके मारा जाता है, एक कदम आगे बढ़ा के मारा जाता है। प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डोंट थिंक ऑफ आइडिया, डोंट इनोवेट, डोंट एक्टिवेट द आइडिया ऑफ टेकिंग ए ड्रॉप, वी विल थिंक अबाउट दिस इन जुलाई जब कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी 12th पास के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अब ड्रॉप नहीं हो सकता है, उनको तो बहुत डिटरमिंड होके बिट्स की तैयारी करनी चाहिए। एडवांस की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपके सामने आ रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब आए एडवांस पे आते हैं, प्लान ए जो था एडवांस की तैयारी का, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम है एडवांस की। खास बात क्या है जो शायद बाकी सब एग्जामों की नहीं होती है, बाकी सब एग्जाम इवन बिट्स में, मैंने कहा कि जो तुम कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस हो सकता है किसका आपका क्या बिट्स के अंदर, उसको एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ लो या किसी भी छोटे मोटे सोर्स से पढ़ लो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, तो कोई भी टॉपिक करके नहीं जाओगे, उसमें आसान क्वेश्चन आ जाएगा, आप मिस कर जाओगे। लेकिन एडवांस एग्जाम में क्या होता है कि ये जरूरी नहीं होता कि आपकी सभी टॉपिक की बहुत ट्रू सेंस में मास्टरी हो, क्योंकि एडवांस एग्जाम में क्या होता है कम 50% पे ही मतलब अच्छा खासा रैंक आ जाता है, 40% पे भी 5000 रैंक आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर इस साल कैसा आएगा या लास्ट ईयर कैसा आया। ये ब्यूटी है एग्जाम की कि अगर आप सब चीजों में तीनों सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो, या इनफैक्ट एक सब्जेक्ट के अंदर भी सब टॉपिक्स में मास्टर नहीं हो, तो भी एडवांस के अंदर आप 5000 रैंक निकाल सकते हो, 5000 रैंक आया तो कैरियर बन जाता है आईटीज के अंदर। तो इसलिए जो लोग बच्चे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि जैसे मैथमेटिक्स में जी मुझे प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगता है, मुझे एडवांस कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल लगता है, मुझे परमुटेशन मुश्किल लगता है, ठीक है जी ये थोड़े मुश्किल टॉपिक के नाम पहले ले रहा हूं, ये नेचुरली मुश्किल टॉपिक है, थोड़े से जो है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, नहीं कंफर्टेबल होता है, तो देयर इज नो नीड टू पैनिक। मैं तो एडवांस एग्जाम, चलो मेरा टाइम बदल गया है, 1981 के अंदर सिर्फ कैलकुलस वेक्टर और स्ट्रेट लाइन सर्कल करके ही मैं आईटी में सेलेक्ट हो गया था, कोनिक सेक्शन मेरे टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे हवा नहीं थी कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन भी बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, चलो अच्छे कोनिक सेक्शन से कर लेते हैं, इतनी मुन्ना भैया की वीडियो पड़ी है आप जाके देख लो यूट्यूब के अंदर, आपका रिविजन हो जाएगा कोनिक सेक्शन। तो इस तरह से पैनिक नहीं होना है कि मेरी इसकी मास्टरी नहीं है, अब फिजिक्स के अंदर मेरी रोटेशन की मास्टरी नहीं है, समझने की कोशिश कर रहे हो कि जी मुझे जो फ्लूड्स की मास्टरी नहीं है, मुझे ईएमआई में डर लगता है, मतलब जो है तो सेमीकंडक्टर समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, बाकी आपको नॉन मैकेनिक्स तो 11th का पोर्शन आता नहीं आता वो देख लो, वो अच्छा स्कोरिंग था, मॉडर्न फिजिक्स की 15-20 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ी स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए होती है क्या एडवांस के लिए, और बिट सेट के लिए टोटल प्रिपरेशन चाहिए होती है, टोटल प्रिपरेशन हो चुकी है, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, इसलिए उसके सीडी लेके प्रैक्टिस करो लगातार। एडवांस के लिए क्या करो अब बैठ जाओ, जब एनालिसिस कर लोगे सारा कि व्हाट हैपेंड विद मी इन जेई मेंस, या जिन लोगों के साथ अच्छा हुआ उनको भी एक बार रुक के एक घंटा लगा के क्या करना चाहिए, दो कैटेगरी में टॉपिक बांटने चाहिए, स्ट्रांग टॉपिक, और ऐसे मत को वीक टॉपिक, वीक कभी नहीं होता, कुछ वीक टॉपिक नहीं है, आप 11th के स्टूडेंट नहीं है टॉपिक वीक होगा, स्ट्रांग टॉपिक और जो टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग और नॉन स्ट्रांग, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा जी, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, फिर देखो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो चुके हैं, मे बी हाफ एन आवर के लिए, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैकेनिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, रोटेशन मेरा नॉन स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, रोटेशन और एनर्जी मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम अलग कर दो, रोटेशन एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं फिजिक्स का दे रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बड़े पॉपुलर होते हैं, इसको अलग कर दो, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक सारा वेक्टर से लेके आपका जो है सब सारा डायनेमिक्स वगैरह आ गया, न्यूटन लॉज वगैरह, इसके क्या करो जो भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, जैसे हम विद्या मंदिर में अपने फाइनल स्टेप्स ही देते हैं एडवांस प्रॉब्लम पैकेज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब देख रहे हैं जो विद्या मंदिर के नहीं है, जो भी आपको मतलब एडवांस प्रॉब्लम पैकेज दिए जाते हैं उसमें क्वेश्चन करने शुरू कर दो, आधा घंटे रिवाइज करो उसको और शुरू कर दो उसको, जो है शुरू कर दो अपना, ठीक है, समझ आई आपके बात, जो है शुरू कर दो, ठीक है जी, और जो वीक टॉपिक है, ठीक है जी, उसको क्या शुरू करो आपका, उसका रिवीजन शुरू करो, देखो क्या चीज वीक है, एक कोई छोटी सी 2-3 चीजें वीक होंगी, पूरा रोटेशन वीक नहीं होगा आपका, पूरा एनर्जी मोमेंटम वीक नहीं होगा,
आपका पूरा परमुटेशन प्रॉबिलिटी वीक नहीं होगा, एक पर्टिकुलर टाइप में बेस थ्योरम में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, या ऑर्गेनिक में थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री बेस प्रॉब्लम आ सकती है, फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स बेस में या आयनिक क्लियर में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको रिवाइज कर लो। तो क्या करना है, दिन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट में स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना है बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सेकंड पार्ट ऑफ डे के अंदर जो है आपको क्या करना है दोस्तों मेरे, जो वीक टॉपिक है, वीक नहीं वर्ड है, नॉन स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको तैयारी कर लेनी है और नेक्स्ट डे उनके फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने हैं। तो 7 days है वीक के अंदर, मुझे लगता है कि आपको 2 दिन एडवांस टेस्ट प्रैक्टिस के लिए करनी चाहिए। एवरी संडे फ्रॉम आपका जो है अभी जो हमारा 21 अप्रैल से है, सभी के टेस्ट हो रही हूँ, 21 अप्रैल से हम 5 संडे में आपके CBTs लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे जाकर टेस्ट देने होंगे, 5 ही हो जाएंगे, और एवरी थर्सडे या वेडनेसडे दिन फाइनल कर रहे हैं हम, एक आपको होम प्रैक्टिस दे देंगे एडवांस का, तो 10 टेस्ट आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा, इस टाइम पे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ल्योर करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक सेलर होते हैं, ये करते हैं भाई दीज आर मतलब प्रैक्टिस पेपर फॉर एडवांस होते हैं, ये ज्वाइन कर लो, ये डेस्ट्री ज्वाइन कर लो, इन सब चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, ये सब भटकाने वाली चीज़ें हैं, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन डाले जाते हैं एडवांस के नाम पे, मैंने देखी हैं सारी, इतनी कोटा की बुक्स आती हैं, इतनी टेस्ट सीरीज आती हैं, बुक्स मेरे को सारे सैंपल दे जाते हैं, ये सब इसमें अजीब अजीब क्वेश्चन भरे हुए होते हैं। हम जो टेस्ट दे रहे हैं 10, इसको आप कर लो, और अगर टाइम है आपको तो लास्ट 5 years के IIT के जो प्रीवियस पेपर है उसको कर लो, मैं सब आपके अकाउंट में डलवा दूंगा, जो विद्यामंदिर का स्टूडेंट है ये सब अवेलेबल होते हैं IIT की साइट के ऊपर, आप जाके इन पेपर को कर सकते हो। तो 7 days में से 5 days आप टेस्टिंग के लिए रख लो, उस 2 days टेस्टिंग के लिए रख लो, और 5 days जो है आपका गया प्रैक्टिस के लिए रख लो, कि जिसमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक और स्ट्रॉन्ग करना है और नॉन स्ट्रॉन्ग टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस तरह से करना शुरू करो, और ठीक है, और देखो मतलब कैसे चीजें आगे चलती हैं, ठीक है, बहुत डिटरमिंड रहो। फिर मैं लास्ट बात इसको क्लोज करने जा रहा हूं, आई होप नाउ आफ्टर दिस वीडियो यहां तक में आप सब आप जेई मेन से बियॉन्ड मूव कर चुके हो और बहुत एंथुजास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, आगे हमारे पास क्या रखा है उस तरह से करना है, आपको एक फुटबॉलर की तरह करना है, बनना है कि जैसे कि जो UEFA चैंपियन का आजकल सीरीज चल रही है, अभी मैच चल रहे हैं आपके क्वार्टर फाइनल के, आप देखेंगे यूवेंटस की टीम थी जो फर्स्ट लेग के अंदर मैच हार गई थी, फिर रोनाल्डो ने हैट्रिक करी और सेकंड लेग के अंदर वो जीत के अभी कल बाई चांस का मैच ड्रॉ हो गया क्वार्टर फाइनल के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत स्ट्रांग टीम है, रोनाल्डो जैसा एक डिटरमिंड माइंड रखना है और वो सेकंड लेग के अंदर जीत जाएगा। तो यू हैव टू बिकम लाइक अ आपका क्या फुटबॉलर या ऐसी टीम जो फर्स्ट हाफ में 2 गोल खा के भी सेकंड हाफ में 3 गोल करके जीत जाती है। आपको एक क्रिकेटर, आजकल जो IPL का सीरीज चल रही है, जो लोग थोड़ा बहुत फन के लिए देख रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, आप देख रहे हो पिछले अभी जो लास्ट वीक में मैच हुए हैं सारे के सारे जो हैं पिछले 2 ओवर में डिसाइड हुए हैं, जीतती हारती हुई टीम जीत गई है, कल रात को ही मतलब जो है धोनी की टीम ने मैच जीता आपका राजस्थान रॉयल्स से, तो ये उसी तरह से थोड़े दिन पहले आपका जो है आपका KKR की टीम ने मतलब जो है उसकी SRH की टीम को हराया। मैं स्पोर्ट्स को देखने को नहीं कह रहा हूँ, आई एम एविड वॉचर ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स से ना डिटर्मिनेशन जनरेट होती है, मेरे अंदर भी डिटर्मिनेशन आती है और वो डिटर्मिनेशन मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि अब आप सब डिटर्मिंड होंगे, आपके सामने मैंने प्लान रख लिया है, प्लान बी यानी बिट्स के लिए, प्लान ए एडवांस के लिए, यही 2 मेन एग्जाम होते हैं, तीसरा आपका यही मेंस आता है, NIITs आते हैं, वो खत्म हो गया है, अब आगे रखना है। तो कोई बच्चा मायूस नहीं होगा, बिल्कुल भी बिल्कुल परेशान नहीं होगा, विद्यामंदिर का बच्चा मेरे टच में रहता है, badrebhaiya@vidyamandir.com पे मेल लिखेगा, अपने सेंटर के टीचरों से मिलेगा, अपने जो भी मेंटर्स होंगे, गाइड होंगे, जो नॉन विद्यामंदिर स्टूडेंट हैं, मायूस नहीं होंगे। और पेरेंट्स को ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्लिप पेरेंट्स को दिखाना, आप अपने पेरेंट्स सबको नमस्कार करता हूँ, कभी किसी बच्चे की खिंचाई नहीं करेंगे, उसको ताना नहीं देंगे, नेगिंग नहीं करेंगे और उसके साथ खड़े होंगे, डर मत बेटा, कोई बात नहीं, जो है अपने लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब कभी आप डाउन गए थे एंड हाउ यू केम अप, वो शेयर करेंगे, आप भी प्यार से सुनना, ठीक है जी। माता ससुर से प्रार्थना करता हूँ आप सबको करेज दे, थोड़ी डिटर्मिनेशन दे आपके अंदर, और ये अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे लड़ने की शक्ति दे और उनको काट डालने की शक्ति दे, ठीक है बेटा। शुरू करो गेम जो है, एनालिसिस शुरू करो पहला, फिर रिवाइज करा दूं, एज ए टीचर हूं, एनालिसिस करो, अच्छे से एनालिसिस करो, सारे डायमेंशन एनालिसिस करो, थोड़ा एक दिन का ब्रेक लो, हो सकता है जाके कोई एनिमेटेड पिक्चर देख लो, और लौट के आओ प्लान बी प्लान ए दोनों को पैरेलल चलो, 3 से 4 घंटे निकाल लो बिट्स के लिए दिन के अंदर और बाकी सारा टाइम एडवांस के लिए करो। जिन लोगों को और कॉन्फिडेंस नहीं है एडवांस के ऊपर तो वो क्या करो, आधा दिन 6 घंटे निकालो, आपका क्या है कि बिट सेट के लिए 6 घंटे निकालो एडवांस के लिए, प्रॉमिस करो यहाँ मेरी वीडियो देखते हुए
10 से 12 घंटे से कम नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो है जो भी आपके इंस्टीट्यूटों में क्लास होंगी, सेंटरों में क्लास होंगी, जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करी जाएंगी, मेक श्योर उनको अटेंड करो, क्योंकि उससे एक्सपोजर बढ़ेगा। टीचर जब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो टेक्निक बताता है, ट्रिक बताता है, अटेंड करो। घर में बैठो मत सारे दिन, जो है थोड़ा बाहर निकलोगे, एनवायरमेंट चेंज होगा, दोस्तों से मिलोगे, एनर्जी लेवल चेंज होगा। ठीक है जी, थैंक्स करना चाहता हूँ इस वीडियो देखने के लिए आपका जो है। फिर आपके बीच के अंदर 15 दिन में फिर आपको एक दोबारा से वीडियो मैसेज दूंगा कि जो लोग परेशान हो गए होंगे, कुछ हो गए होंगे, लोग फीडबैक करेंगे मेरे से और क्या चाहते हैं उसके बारे में, फिर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। ठीक है जी, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।